देवास में एबी रोड पर डेंजर जोन में शामिल मक्सी रोड बिलावली क्षेत्र में रविवार रात को सड़क हादसा हो गया। यहां एक बाइक का टायर पंचर होने के बाद वाहन चालक की मदद के लिए दो युवक रुके थे। इन तीनों को किसी अज्ञात वाहन ने तेज रफ्तार में जाते हुए टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को रेफर कर दिया गया। इस दौरान आधा घंटे तक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो सकी जिससे परिजन व परिचित नाराज हो गए। हंगामे की आशंका को देखते हुए RMO डॉक्टर अजय पटेल, कोतवाली थाना प्रभारी MS परमार भी मौके पर पहुंच गए थे। बाद में एम्बुलेंस आने पर एक घायल को रवाना किया गया। जानकारी के अनुसार हिंदू संगठन के एक पदाधिकारी का बेटा अभिषेक पिता महेश मंडलोई बाइक से जा रहा था। रास्ते में बिलावली क्षेत्र में बाइक पंचर होने पर पास से निकल रहे जतिन व लक्ष्मण निवासी ग्राम निपानिया मदद के लिए रुके। इस दौरान अज्ञात वाहन ने तीनों को टक्कर मार दी। गंभीर घायल अवस्था में तीनों को जिला अस्पताल लाया गया जहां जांच के बाद डॉक्टर ने लक्ष्मण पिता शंकर सिंह राजपूत उम्र 17 वर्ष को मृत घोषित किया। अन्य दोनों घायलों को अभिषेक व जतिन का उपचार किया गया। इनको गंभीर चोट लगी थी जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना मिलने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जिला अस्पताल में एकत्रित हो गए। यहां से रेफर करने के बाद समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल सकी। इसके बाद RMO, CMHO सहित कलेक्टर को भी फोन लगाया गया। करीब आधा घंटा बीत गया तब जाकर एम्बुलेंस आई, फिर घायलों को इससे इंदौर ले जाया गया। आज सुबह मृतक लक्ष्मण का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मामले को लेकर पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रकरण को जांच में लिया है। करीब आधे घंटे के बाद जब 108 एम्बुलेंस आई तो घायल अभिषेक को ले जाने के लिए परिजनों ने एम्बुलेंस के चालक व EMT से कहा कि इंदौर में निजी अस्पताल तक चलना होगा। उधर चालक व EMT ने निजी अस्पताल जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह नियम में नहीं है, अब सरकारी अस्पताल ही ले जाएंगे। इसको लेकर करीब 5 से 7 मिनट तक बहस चलती रही। इसके बाद संगठन के पदाधिकारियों ने CMHO और RMO से एम्बुलेंस चालक की चर्चा कराई। उसके बाद एक घायल को इंदौर निजी अस्पताल ले जाया गया। ये अभिषेक जो है देवास सब में गाँव जा रहा था चिड़ावत के यहाँ पे, और लक्ष्मण और जतिन जो है उसकी मदद के लिए रुके थे। गाड़ी पंचर हो गई थी तो पीछे से तेज अंधगति से गाड़ी आई जो इनको ठोक करके चली गई। इसमें अभिषेक, लक्ष्मण घायल और जतिन जो है में। अच्छा, ये कौन सी गाड़ी थी जिन्होंने को टक्कर मारी थी? वो गाड़ी का तो ध्यान नहीं रहा, अंधगति से आई ठोक चली गई। घटनास्थल क्या है? घटनास्थल चिड़ावत है। ठीक है, क्या नाम है आपका? धीरज सिंह ठाकुर। और ये जो तीनों थे ये देवास से कहाँ चिड़ावत जा रहे थे? तीनों देवास से चिड़ावत, और एक दो व्यक्ति निपानिया के थे और एक चिड़ावत था। एक ही बाइक पे थे? एक ही बाइक। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की यह रिपोर्ट।